नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की कड़ी में 11वीं और अंतिम कड़ी लेकर आज हम हाजिर हैं। आज इस कड़ी के अंतर्गत हम विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इसका अध्ययन करेंगे। और मैं हूं डॉक्टर अवतार कृष्ण शर्मा। प्राचीन काल से ही भारत विदेशियों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है, और यही कारण है कि हमें प्राचीन काल से विदेशियों के भारत में आगमन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अनेक देशों के विदेशी यात्री भारत आए, और भारत आने के बाद उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों को लेखबद्ध किया है, और उस लेखन से हमें तत्कालीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण को मोटे रूप में हम तीन भागों में बांटते हैं: यूनान और रोम के यात्री, चीन से आए यात्री, और अरब से जो यात्री आए उनके विवरण। शुरुआत करते हैं यूनान और रोम के यात्रियों से। इनमें सर्वप्रथम नाम आता है स्काइलैक्स का। स्काइलैक्स वह प्रथम यूनानी व्यक्ति था जिसने भारत के विषय में लिखा। इससे पहले किसी भी विद्वान का लिखा हुआ हमें उद्धरण या एग्जाम्पल नहीं मिलता है। इसे ईरान के राजा डेरियस प्रथम, जिसे दारा भी कहते हैं, उसने भारत में भेजा था 509 ईस्वी पूर्व में, और ये जानने के लिए भेजा था कि सिंधु नदी का मार्ग क्या है और वो किस स्थल पर आकर समुद्र में मिलती है। उसने यात्रा करने के बाद, भारत की यात्रा करने के बाद, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, जो अब उपलब्ध नहीं है। परंतु स्काइलस के बाद जो विद्वान हुए हैं उन्होंने स्काइलैक्स के यात्रा वृत्तांत को पढ़ा, और उनके लिए वो किताब उपलब्ध थी, और उन्होंने अपनी पुस्तकों में स्काइलैक्स के पुस्तक के उद्धरण दिए हैं। उन उद्धरणों से हमें भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ एक इतिहास के जिज्ञासु विद्यार्थी के लिए जानना आवश्यक है, समझना आवश्यक है कि ऐसे बहुत सारे विदेशी यात्री हैं जिनकी मूल कृति आज उपलब्ध नहीं है, और जैसे मेगस्थनीज की इंडिका। और उन विद्वानों के बाद में जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों में उन लेखकों के पुस्तकों के उद्धरण दिए हैं कि उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि चूंकि मूल पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो सेकेंडरी पुस्तक, द्वितीय पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसमें हो सकता है दूसरे लेखक ने उद्धरण को सही सही उद्धृत करने में कुछ गलती की हो, या फिर उसमें कुछ अपनी तरफ से मिलाया हो। इसलिए इन उद्धरणों को सही सही समझने के लिए हमें दूसरे स्रोतों से भी उनका मिलान करना आवश्यक है। स्काइलैक्स के बाद में दूसरा प्रसिद्ध नाम आता है हेरोडोटस का। हेरोडोटस इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ये याद रखना आवश्यक है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम हिस्टोरिका है। ये हिस्टोरिका पुस्तक माना जाता है कि इतिहास की प्रथम पुस्तक है, इसलिए इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस का काल 484 ईस्वी पूर्व से 425 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और हिस्टोरिका से हमें डेरियस प्रथम के काल के बारे में जानकारी मिलती है। और जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी स्काइलैक्स के बारे में, तो इस हेरोडोटस की पुस्तक से हमें पता चलता है कि डेरियस प्रथम ने स्काइलैक्स को सिंधु नदी का मार्ग जानने के लिए भारत में भेजा था। इसके अलावा कुछ और अन्य जानकारियां भी हमें हेरोडोटस की हिस्टोरिका से प्राप्त होती हैं। इस हेरोडोटस के बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट विद्वान जो यूनान और रोमन विद्वान थे जिन्होंने भारत के विषय में लिखा, उनमें नियारकस, एरिस्टोबुलस और ऑनेसिक्रिटस उल्लेखनीय है। ये सारे के सारे विद्वान सिकंदर के समकालीन थे। चूंकि रोमन और यूनानी यात्री बड़ी मात्रा में भारत आए थे और उन्होंने भारत के विषय में लिखा है, इसलिए बहुत सारे विद्वान इन यूनानी यात्रियों को तीन कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक तो सिकंदर के आने से पहले के लेखन,
एक सिकंदर के समकालीन और तीसरा सिकंदर के बाद में जो हुए, यानी सिकंदर के भारत के ऊपर आक्रमण को एक बेस मानकर उनको तीन भागों में बांटा है। तो नियार्कस, एस्टेबुलस और ओनेसिक्रिटस ये तीनों सिकंदर के समकालीन थे। नियार्कस सिकंदर की सेना में नौसेना थी, उसमें उसका अध्यक्ष था और उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसी प्रकार एरिस्टोबुलस ने एक पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ वार, ये सिकंदर की विजय के ऊपर एक पुस्तक है। और ओनेसिक्रिटस जो स्वयं नियार्कस के अधीन उसके बेड़े का एक सेना नायक था, उसने सिकंदर की जीवनी लिखी है। दुर्भाग्य से ये तीनों रचनाएं आज उपलब्ध नहीं है, और जैसा कि स्काइलक्स के विषय में हमने अध्ययन किया था कि इनकी किताबों के जो उद्धरण हैं उन उद्धरणों से ही हमें उन्होंने जो कुछ लिखा है उससे तत्कालीन भारत की जानकारी मिलती है। विद्वानों का मानना है कि चूंकि नियार्कस, एरिस्टोबुलस और ओनेसिक्रिटस सिकंदर के साथ के ही थे, समकालीन थे, और सिकंदर के सैन्य अभियान के लिए उन्होंने जो जानकारियां सिकंदर को प्रदान की वो ज्यादा वास्तविक और इम्पोर्टेंट थी, इसलिए हमें हमें इतिहास को जानने के लिए भी हमारे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी यात्रियों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम है मेगस्थनीज का। अब मेगस्थनीज के बारे में इतिहास के विद्यार्थी अधिकतर जानते हैं कि यह सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर के बाद यूनानी शासक बना था उसका राजदूत था, और इसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। और ये लंबे समय तक भारत में रहा, और भारत में रहने के बाद इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका है। और इस पुस्तक जो कि आज वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, परंतु जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि परवर्ती लेखकों ने इन पुस्तकों के उद्धरण अपने पुस्तकों में दिए हैं, तो बाद में आने वाले कई सारे लेखकों ने इंडिका के उद्धरण अपने पुस्तकों में दिए हैं। उससे हमें खासकर मौर्यकालीन भारत के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन समाज, राजनीति, धर्म आदि के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है, और विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन की जानकारी का यह एक बड़ा स्रोत है। हालांकि इंडिका में अनेक तथ्य गलत दिए गए हैं, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी कि हो सकता है कि उद्धरण करने वाले लेखकों ने उसमें गड़बड़ी की हो, या फिर मेगस्थनीज को भारत के समाज को समझने में गड़बड़ी हुई, क्योंकि भारत में जातियों के बारे में जो उल्लेख उसने किया है उसे सही नहीं माना जाता। उसके बावजूद भी इंडिका प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अब पेट्राक्लीज सेल्यूकस निकेटर का नौसैन्य अध्यक्ष था, और उसने अपने जो यात्रा थी उसका एक वृत्तांत भूगोल नामक पुस्तक के नाम से लिखा है, जो अब दुर्भाग्य से उपलब्ध नहीं है, परंतु स्ट्रेबो और एरेटोस्तनीज नामक विद्वानों ने पेट्रोक्लीज की लिखी इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा की है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पेट्रोक्लीज ने भारत के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की होंगी। स्ट्रेबो एक और महत्वपूर्ण यूनानी यात्री है, उसने भी भूगोल नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक से हमें प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। जस्टिन रोम का था, और इसने जो अपना वर्णन अपना जो लेखन किया है उससे हमें सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भूगोल के नाम से एक और प्रसिद्ध किताब लिखी टोलमी ने, और इस पुस्तक से हमें तत्कालीन भारत के अनेक नगरों के नामों का पता चलता है। टॉलमी ने अपनी इस पुस्तक में एक मानचित्र, भारत का मानचित्र भी दिया, परंतु वो सही नहीं है, वो ढंग से उसको बनाने में सफल नहीं हुए। यूनानी और रोमन यात्रियों में ऊपर उल्लेखित इन यात्रियों के अलावा, इन विद्वानों के अलावा कुछ और बहुत सारे महत्वपूर्ण विद्वान थे, जैसे
जिनकी रचनाओं से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें कर्टियस, डायोडोटस, शिकुलस, डायमेकस, पोलियोवियस, एरियन, प्लिनी आदि इम्पोर्टेंट हैं। एक और पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके लेखक कौन थे इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, परंतु ये है पुस्तक प्रथम सदी ईस्वी के भारत के बंदरगाही व्यापार के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। ये हमें बंदरगाहों और उनसे होने वाले आयात निर्यात की वस्तुओं के बारे में जानकारी देती है। हिंद महासागर के बारे में ये जानकारी प्रदान करती है। रोमन और यूनानी यात्रियों के बाद में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने के विदेशी यात्रियों के विवरण में चीन के यात्रियों का उल्लेखनीय योगदान माना जाता है। आज चीनी यात्रियों में प्रथम नाम आता है सोमा चीन का, और कहते हैं कि माना जाता है कि ये चीन के इतिहास के जन्मदाता थे, और इसने ईस्वी पूर्व प्रथम सदी के भारत के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी इस अपनी पुस्तक में दी है। चीनी यात्रियों में उल्लेखनीय नाम है फाययान का। फाययान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, उसके समय में 399 ईस्वी में भारत आया और लगभग 15 साल तक वो भारत रहा। फाययान का भारत में यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य धार्मिक था, और भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करना और उनकी पांडुलिपियों को एकत्र करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और भारत में यात्रा करने के दौरान उसने जो कुछ देखा उसका विवरण उसने अपनी पुस्तक दी ट्रेवल ऑफ फाययान में लिखा है। और इस पुस्तक में उसने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में लिखा है, और पाटलिपुत्र के विषय में भी उसने जानकारी प्रदान की है। इसके ग्रंथ से एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है कि उसने कहा कि उस समय की मध्य देश जो था उसकी जनता सुखी और समृद्ध थी। तो ये हमें तत्कालीन भारत की समृद्धि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। परंतु चूंकि फाययान का मुख्य उद्देश्य धार्मिक था, इसलिए उसका दृष्टिकोण भी धार्मिक ही रहा। यहाँ तक कि राजनीति के बारे में उसने न के बराबर लिखा है, और तत्कालीन शासक के विषय में भी उसने कुछ अपनी किताब में नहीं लिखा। सुंगयून भी एक चीनी था, और जिसने 518 ईस्वी में वो भारत आया था और लगभग 3 वर्ष तक भारत में रहा। उससे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। फाययान के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण नाम एक चीनी यात्रियों के रूप में हमें मिलता है ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग 3629 ईस्वी में भारत आया। उस समय हर्षवर्धन का शासन काल था और लगभग 645 ईस्वी तक वो भारत में रहा। और भारत में रहने के दौरान उसने अनेक स्थलों की यात्रा की, खासकर जो बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल थे उनकी यात्रा की। और एक इम्पोर्टेंट तथ्य ये भी है कि बौद्ध धर्म के अध्ययन के दृष्टिकोण से उसने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन भी किया। उसने अपने यात्रा वृतांत को अपने एक पुस्तक के रूप में संकलित किया है, जिसे द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड या CUK के नाम से जाना जाता है। और इस पुस्तक से तत्कालीन भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के शासनकाल के साथ जो अनेक स्थल थे, महत्वपूर्ण शहर थे, उनके बारे में भी हमें जानकारी इसकी यात्रा वृतांत से मिलती है। एक और चीनी विद्वान जो ह्वेनसांग का मित्र था, और उसने ह्वेनसांग के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसे ह्वेनसांग की जीवनी कहा जाता है। उसका नाम था हुईली। उसने अपने मित्र ह्वेनसांग के ऊपर जो जीवनी लिखी है उसमें ह्वेनसांग के भारत की यात्रा विवरण के बारे में भी लिखा है। तो इसलिए प्रसंगवश ह्वेनसांग की यात्रा विवरण के उल्लेख के समय भारत के विषय में जानकारी वो प्रदान करता है। इत्सिंग एक अन्य चीनी यात्री था जो भारत आया। 671 ईस्वी से 695 ईस्वी तक वो भारत में रहा। ये मानेगा कि 7वीं शताब्दी के अंत में वो भारत में उसने प्रवास किया, और उसने
यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी दी है। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में इसने भी जानकारी प्रदान की है। इसके अलावा कुछ दो और चीनी विद्वान हैं, मातवालिन और चाओजू गुआ। मातवालिन के विवरण से हमें हर्षवर्धन के द्वारा पूर्व की तरफ किए गए अभियानों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार चाओजू गुआ के लेखन से हमें चोल इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चीनी यात्रियों ने, हालांकि उसमें मुख्य पुट उनका बौद्ध धर्म और उसका अध्ययन और शिशिल उनकी पांडुलिपियों का कलेक्शन था, परंतु उन्होंने प्रसंगवश भारत के बारे में जो लिखा है उससे तत्कालीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। यूनानी, रोमन और चीनी यात्रियों के बाद में प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी का एक बड़ा स्रोत अरब के यात्रियों के विवरण भी हैं, और इनमें उल्लेखनीय नाम है चचनामा का, जिसके लेखक अली अहमद थे। अली अहमद ने इस चचनामा में तत्कालीन भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की हैं। अरब यात्रियों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम है अलबरूनी का, जो ख्वारिज्म का निवासी था और वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी बहुत विद्वान था और गणित और ज्योतिष में उसे विशेष महारत हासिल थी। इसके अलावा वो अरबी, फारसी और संस्कृत का भी बहुत बड़ा विद्वान था। उसने भारत में जो कुछ समझा देखा उसको एक सही दृष्टिकोण से अपने पुस्तक तहकीक ए हिंद, जिसे भारत एक खोज के नाम से भी जाना जाता है, उसमें उसका वर्णन उसने किया है। ये पुस्तक महमूद गजनवी के समय के भारत को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा कुछ और विद्वान भी थे, अब्दुल रज्जाक और सुलेमान अल मसूदी, इनके ग्रंथों से भी हमें तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऊपर उल्लेखित किए गए देशों के विदेशी यात्रियों के अलावा कुछ अन्य विदेशी यात्री भी थे जिनसे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इनमें एक उल्लेखनीय नाम आता है मार्को पोलो का। मार्को पोलो इटली के वेनिस का निवासी था और वह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था, और उसने जो कुछ लिखा है उससे 13वीं शताब्दी के पांड्य राज्य के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार एक तिब्बती विद्वान है तारानाथ, उनके दो ग्रंथ हैं तंग्यूर और कंग्यूर। इन ग्रंथों से भी हमें तत्कालीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के रूप में विदेशी यात्रियों के विवरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु जैसा कि मैंने हमारी पूर्ववर्ती स्लाइडों में बताया है कि इनके कई सारे विद्वानों की पुस्तकें मूल पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, इसलिए बड़े ही सावधानी पूर्वक उनके अध्ययन का विश्लेषण हमें करना चाहिए। फिर भी तत्कालीन प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देने का विदेशी यात्रियों के विवरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है ये चैप्टर आपके ज्ञानवर्धन में उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।